हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये मेकअप लुक। ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ किया है और कुछ ही मिनटों में किया था। सिंपल और इजी ट्रिक मैंने इसमें यूज़ किया गाइस। प्लीज़ वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दे। और इस मेकअप लुक को कोई भी कर सकता है इजीली, बिगिनर्स हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो या स्कूल गोइंग हो। बहुत ही ईजी और सिंपल है गाइस, प्लीज़ वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। और गाइस, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं गाइस, मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। तो ये देखिए गाइस, मैंने मेहंदी लगवा ली है। मैंने करवा चौथ से 2 दिन पहले मेहंदी लगवा ली थी। तो आप बताइए आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ निविया लाइट मॉइस्चराइजर की हेल्प से। गाइस, मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे भी आपका मेकअप जो है ना बहुत ही अच्छा दिखता है, और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं लगती है और पैची नहीं लगता आपका मेकअप। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ओलिविया पेन स्टिक। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ की है। तो आप देख सकते हैं क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इस तरह की पैकेजिंग है इसकी, और ये रेड मैरून से कलर की पैकेजिंग में आती है। तो आप देख सकते हैं ये एक स्टिक है। और इस तरह से आप इसे रोल करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है बाहर आ जाता है। तो मैं इसे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। पहले मैंने सोचा कि अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी, पर आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है। आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट करूँगी। सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, नहीं तो पैची दिखने लगता है आपका मेकअप, और जल्दी से पसीना भी नहीं आता आपके फेस पर। तो इसीलिए इसे सेट ज़रूर कर लीजिए लूज़ पाउडर की हेल्प से या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। अब मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूँगी, अच्छे से सेट करूँगी। गाइस, आईब्रोज को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बेकार दिखने लगती है। आपका पूरा मेकअप जो लुक होता है ना, वो ख़राब दिखने लगता है, इसलिए अपनी आईब्रोज को सेट करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद मैं कैमलियन की ब्राउन ब्रो पेंसिल की हेल्प से अपने आईब्रोज के गैप्स को फिल करूँगी। आईब्रोज को लेके मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो मेरी वीडियोस की लिस्ट को प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं अपने चैनल पर। तो देखिए, मैंने अपने आईब्रोज को सेट कर लिया है। अब मैं ये हुडा ब्यूटी पैलेट से बर्गंडी कलर का शेड लेकर पूरी आईलिड पर लगा लूँगी। मुझे स्मोकी आई लुक क्रिएट करना है, तो गाइस इसे आप अच्छे से लगा लीजिए अपनी आईलिड पर। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, और ये जो आपको थोड़ा सा पिंक नज़र आ रहा है ना गाइस, ये पिंक अब नज़र नहीं आएगा शेड आपको। मैं जैकलिन हिल पैलेट से ये ब्राउन कलर का शेड लेकर अपनी पूरी आईलिड पर लगा रही हूँ। इसे मिक्स करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि इससे जो आपको थोड़ा सा पिंक नज़र आ रहा है ना लुक, वो पिंक नहीं नज़र आएगा, पूरी तरह से ब्राउन नज़र आएगा। अब मैं ये मैक का काजल ले रही हूँ, और मैक के काजल से मैं एक रफली आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मुझे स्मोकी आई लुक क्रिएट करना है। तो इस तरीके से मैं इसे लगा लूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी काजल या आईलाइनर ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। बिगिनर्स के लिए गाइस ये मेकअप लुक बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, और मिनटों में आप भी कर सकते हैं इस लुक को। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा। आप चाहें तो कोई भी मस्कारा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर काजल नहीं लगा रही हूँ, बस मैक का मस्कारा जो मैंने लगाया है उसी के मैं 2 से 3 कोट अप्लाई कर लूँगी। और गाइस प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, मेरा गला ख़राब हो रहा है। मैं मार्स कॉन्टोर पैलेट से अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। और गाइस, यहाँ पर कॉन्टोरिंग और ब्लश बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ।
फिंगर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छी पेंसिल है, इजिली ब्लेंड हो जाती है। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर के बिना ना गाइस पता नहीं क्यों मुझे मेकअप अधूरा ही लगता है, और मुझे बहुत ही पसंद है हाइलाइटर लगाना। इसीलिए आप ब्लश लगाएं ना लगाएं, कंटूरिंग करें या ना करें, लेकिन हाइलाइटर को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। हाइलाइटर ज़रूर लगाइएगा, इससे आपका जो पूरा लुक होता है ना वो चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं ये पर्पल कलर की लिप लाइनर से अपने लिप्स को फिल कर रही हूँ। पहले आउटलाइन कर लीजिए, उसके बाद फिल कर लीजिए अच्छे से, इससे आपकी लिपस्टिक का शेड बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं ये हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये पर्पल कलर का शेड है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे लगा लूँगी ताकि मेरा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे और अच्छा दिखे। और बिंदी यहाँ पर गाइस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, एसेसरीज आप अपने हिसाब से भी वेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आज की, कैसा लगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं टिकटॉक पर भी एक्टिव हूँ, तो उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।